नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश ढोमने। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल चटपटा स्वाद। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लाया हूँ। रेसिपी का नाम है चटपटी सेव भाजी। दोस्तों वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं। मैंने एक पैन में 2 छोटे चम्मच ऑयल लिया है, गैस कर दिया है चालू। तो सबसे पहले 1 चुटकी जीरा, चॉपिंग जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली ऐड करने के बाद उसे अच्छी से फ्राई कर लेना है। फ्राई होने के बाद में ओनियन, टोमेटो और जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है उसे भी अच्छी तरीके से फ्राई करना है। दोस्तों उसे अच्छी से फ्राई करना है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना है। अगर कच्चा रहेगा तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला है। चलाते रहिए, अच्छा लाल होते तक के चलाते रहिए। उसके बाद में ऐड करना पड़ेगा अभी हमें खोआ। खोआ को भी अच्छी से फ्राई कर ले, बढ़िया बारीक कर ले और उसे भी चलाए अच्छी से। फ्राई हो गया, चलो मसाले की तरफ आ जाते हैं। अभी 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला और अपने हिसाब से नमक डाल दीजिए। और थोड़ी सी ना कस्तूरी मेथी भी ऐड करना है। इसके बाद 1/2 प्लेट मसाला सेव ऐड करने के बाद उसे भी अच्छी से फ्राई करना है। फ्राई होने के बाद में डालेंगे हम इसमें दूध। दूध से दोस्तों डिश में शाइनिंग आ जाती है। दूध डालने के बाद में फिर से हमें उसे चलाना है। दोस्तों सेव फ्राई हो चुका है, बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच येलो ग्रेवी। दोस्तों हमारी चटपटी सेव भाजी बन चुकी है। दोस्तों आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपके दिल को टच करी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं नई नई रेसिपी आपके लिए लाता रहूं। देखिए दोस्तों, हमने डिश में चटपटी सेव भाजी निकाल ली है, ऊपर से रोगन भी डाल दिया है, अभी धनिया के पत्ते भी डाल देते हैं।